नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपने खाद्य सुरक्षा में आवेदन किए थे उनके जांच की प्रक्रिया चालू की गई है। तो इस जांच प्रक्रिया में काफी लोगों के आवेदन वापस भेजे जा रहे हैं, उनमें कुछ कमियां पाई गई हैं। तो उन कमियों को आप किस प्रकार ई मित्र पर जाकर वापस ठीक करवा सकते हैं, या यदि आप ई मित्र धारक हैं तो उन कमियों को किस प्रकार ठीक करके वापस भेज सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। दोस्तों जो भी आपने आवेदन किए थे वहां पर यदि आप SDM साहब की ID पर जाने के बाद में कुछ इस प्रकार का एरर दिखता है, इसमें इस आवेदन का कोई मेंबर न होने के कारण आप इसे सेंड बैक टू कैटेगरी कृषक ऑप्शन का चयन करें, यानी कि ये आवेदन में जो नीचे आपको देख सकते हैं, आपको जो लाल गोला किया हुआ है इसमें मुखिया व पूरे परिवार का विवरण, इसमें बिल्कुल किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए इस आवेदन को वापस भेजना पड़ रहा है। यानी कि इसमें जो जन आधार में मेंबर हैं वो यहाँ पर फैच नहीं हुए, ऐड नहीं हुए, इस कारण इस आवेदन को पुनः कृषक के पास भेजा जा रहा है, ई मित्र धारक के पास भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार के आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी 100 में से 90% आवेदन इस प्रकार के हो रहे हैं। तो उनको सभी को ई मित्र के पास वापस भेजा जा रहा है जिसे सही कर वापस ई मित्र धारक भेजेगा। तो इसके लिए आपको जन आधार कार्ड लेके जाना है और अपने आवेदन की स्थिति को चेक करवाना है, यदि यही कमी पाई जा रही है तो वापस ई मित्र धारक आपके आवेदन को में जन आधार के मुखियाओं परिवारों का चयन कर वापस इस आवेदन को रिसबमिट करेंगे और आपका आवेदन पुनः जांच के लिए जाएगा। यदि आपने ये नहीं करवाया तो आपका आवेदन पड़ा रहेगा और आप खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना जिससे आमजन को इस बारे में पता चल सके।